वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो भाई मैं उठ चुका हूँ और अभी जो है ना हम कर रहे हैं पल्सर NS का ऑयल चेंज कर रहे हैं। तो अभी दिखाता हूँ आपको, पापा कर रहे हैं ऑयल चेंज। तो ये पूरा व्लॉग जो आईफोन से बनेगा, मतलब स्मूथनेस होगी खूब। ये पापा ने एक पार्ट जो है निकाल के रख दिया है पल्सर का, नीचे का लेग गार्ड, इसके ऊपर एक स्क्रैच लगा हुआ है भाई, देख सकते हो चमक रही है एकदम। देख सकते हो अपनी पेटी पड़ी है जिसके अंदर रहते हैं अपने बहुत सारे पाने। मेरे को तो खुद को नहीं पता कि यार क्या कि ऑयल चेंज करते कैसे हैं, तो मैं तो खुद ही देखूंगा पहली बार, तो आप ही करते हैं हर बार। इसका तो आसान ही है तेल निकालना, लो है निकल गया भाई काला पड़ा तेल। अपन जो डालेंगे वो भी काला ही होगा, देख तो होना जरूरी है। ये जितना भी धुआं छोड़ती है ना, तो धुआं होता है वो धुएं के लिए ब्लैक हो जाता है। इतना ब्लैक है नहीं, ये देख साफ है, तो लग रहा है उसमें ज़्यादा मात्रा में होने का, पर कम नहीं हुआ। ये बढ़िया है तेल पूरा, ये अभी इसमें खूब है, इसमें तो जितना डाला था उतना ही लग रहा है, लेवल कम हुआ नहीं, तो उधर लेवल में दिखता है। तो अभी इस तेल का क्या करेंगे, कहीं काम आएगा लगाने के। तो भाई सफाई कर रहे हैं इसकी ताकि डस्ट जो है अंदर ना जाए कोई, जो अपन इसको खोल लेंगे तो फिल्टर चेंज होएगा। ऑयल फिल्टर चेंज कर रहे हैं भाई, ऑयल फिल्टर तेल अपना। ओह नीचे की, अरे कोई वही क्यों बोलते भाई। ये देख सकते हो यहाँ अभी क्या हुआ हमारे साथ में, वो बता रहा हूँ कि आपको सावधानी किस में रखनी है तेल करते समय। यहाँ से जो है ना अपने को तेल दिख जाता है, मतलब इस पूरे के अंदर जो है ना इंजन में तेल भरा रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी खोला ना वैसे यहाँ से जो है ना तेल लीक हो गया, ये देख सकते हो। तो आप जो है ना यहाँ पर भी कटोरी रखो खोलने से पहले। बहुत सही पड़ा है, इसका मतलब सही एवरेज दे रही है, ऑयल सही है एकदम, काला का है। तो ऋषि को ही डाल देंगे वापस, ये नहीं डालना, नया डालना है ऑयल, हमेशा नया डालना चाहिए। ऑयल काला का मतलब ये होता है कि धुआं ज्यादा छोड़ रही है, इसलिए उसने ऑयल को ब्लैक कर दिया। कपड़ा देख, तो भाई अपना ऑयल फिल्टर जो है ना निकल चुका है। ये रहा अपना ऑयल फिल्टर, इसके अंदर है ना अभी नया ऑयल फिल्टर लगाएंगे और ये वाला ऑयल फिल्टर निकाल देंगे। आराम से कपड़े खोल के सोया हुआ है, क्या बोल रहे हैं यही नहीं पता लोग के अंदर ज्यादा बोल रहा है क्या, बस हर वक्त बेइज्जती और गंदा बोलना है तेरे को। तो देखो मत गए जिस तेल लिए वेब सीरीज करी मैंने, एक्सपोर्टिंग में चल रही है, कौन सी हो गई एक्सपोर्ट, वाह ले लगा लेता हूँ अभी है ना। सुबह उठते ही नींद ही नहीं खुलती इसके बिना, तो ले लगा देता हूँ तू तो देख। तो इसके लिए अभी इस टीवी में वेब सीरीज चला रहा हूँ, पर अब नया फिल्टर जो है ना वो पता नहीं कहाँ रखा है। देखे चलते हैं किचन में, देखते हैं किचन में क्या हो रहा है। पीछे देखो क्या हो रहा है, मतलब ये अब उठे हैं भाई, अब हुई है इनकी सुबह भाई, इतनी तो लेट ब्रश कर लिया, खाना खा लेता तेरे से, तेरे से पहले कर लिया। फालतू लाइट और पंखा चल रहा है, ये है वेस्टेज। ये रोटी बन रही है, रोटी ये इधर रोटी बन के तैयार हो चुकी है, और ये डोल रहा है पूरे घर के अंदर नंगा।
देखो कमरा देखो कैसे तहस नहस करा हुआ है। खुदा ही कैसे पढ़ाई है। ओ गलत लगा दी मैंने नींदों में। अरे पढ़ी नहीं खड़ा तू जो बता है मेरे को पढ़ा लिखाना पड़ा है तू। तो भाई मैंने जो है ना गलती से ईयरबड जो है गलत लगा दिए, अब सही लगाया है। तो इधर इस बेड में देख रहा हूँ कि ऑयल फिल्टर मिल जाए यार, पर रॉयल फिल्टर मिलने का नाम नहीं ले रहा। फाइनली अपना एयर फिल्टर जो है ना मिल चुका है, ये देख सकते हो भाई एकदम नया है। पापा सही कह रहे थे कि एक पन्नी की थैली में रखा हुआ बेड के अंदर मिला है। तो गाइस देख सकते हो भाई एयर फिल्टर नया एकदम, ये वाला एयर फिल्टर देखो कैसे अच्छा चमक रहा है, और वो देखो एकदम काला हो चुका है। अभी कितना पीसा? अभी नहीं पीसा, वो गेहूं और क्या। हां सही है, 5 किलो तो खाया ही नहीं जाता भाई। आप 5 किलो पीसो ना पीसो, रोज का पीसो होता है। ये नया फिल्टर लग गया है, ये यही लगता है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको साफ कर देंगे बस। इसकी फोटो खींच के रख ले मन्नू, ताकि पापा आगे कभी जाए तो ये देंगे। ये नया लाने की जरूरत नहीं पड़ती बेटे, ये भी साफ होएगा केरोसिन से एकदम। कौन सी जाली है इसमें? ये जो है ना एयर फिल्टर है, इसको सावधानी से साफ करो। डाल रहे ये क्या चीज है? कुप्पी। ये बना के डालो भाई, कोई भी कागज होगा आपके हाथ में उसकी कुप्पी बना लो ऐसे, और फिर डालो ऑयल। ये रहा ऑयल। फोर स्ट्रोक ही देते हैं। अरे फोर स्ट्रोक होता है इंजन। तो भाई तेल वेल सब डाल दिया अपन ने, और अब जो है लास्ट में कैप लगा रहे हैं। पूरा काम डन हो चुका अपना। तो गाइस अभी पापा जो चैन साफ कर रहे हैं। साफ नहीं कर रहा मैं, लुब्रिकेंट लगा रहा हूँ। साफ तो तूने कर दी। हाँ लुब्रिकेंट लगा रहे हैं, लुब्रिकेशन कर रहे हैं पापा, क्योंकि चैन जो है खर 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 की आवाज कर रही थी। चैन को जो है लुब्रिकेट कर दिया पापा ने एकदम मस्त, और अब पापा जाएंगे मम्मी को छोड़ने, तैयार हो चुकी है मम्मी। भाई यार अपनी जो है बाइक का ऑयल चेंज हो चुका है, और ऑयल फिल्टर भी जो है चेंज हो चुका है, और बाइक की चेन भी जो है लुब्रिकेंट हो चुकी थी। तो अब जो है आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जब तक के लिए बाय बाय। आपको दिखाते हैं कि लक्की क्या कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा हो तुम? मैं गाड़ी को मचका रहे हो। मैं इंडियन ऑयल का स्टिकर लगा रहा हूँ इसके ऊपर। हाँ ऐसे क्यों कर रहा है, मेरी गाड़ी तोड़ रहा। क्या होगा क्या होगा उससे, इंडियन ऑयल का स्टिकर लगाने से कुछ नहीं होता। होना क्या है, नहीं ये पेट्रोल पंप वाले कभी कार वो भी तो कर देते हैं। वो तो भाई खुद चौकन्ने रहो, स्टिकर लगाने से ऐसे थोड़ी होगा, वो चोरी करना बंद कर दे। नहीं स्टिकर से ऐसे हो तो जाता है कि हाँ भाई इंडियन ऑयल का ही आ गया सदस्य, तो इसको जानकारी होगी। जानकारी क्या होगी, काम करता है हमारे बापू वहाँ पे। तो भाई ये जो है ये लगा रहा है कैंची से गोल काट के लगाएगा, तो अभी लगा नहीं है तो देखो कैसा दिख रहा है, और अब दिखाएंगे आपको लगाने के बाद। हो रहा है आपको गाड़ी में बहुत ज्यादा पहले खर खर आवाज आती थी वो सही हो गई। तो भाई ऐसा लग रहा है चली नहीं थी भाई, मतलब पापा ने जो ऑयल फिल्टर चेंज किया और ऑयल चेंज किया ना उसकी वजह से भाई एकदम मस्त हो गई गाड़ी, मतलब आवाज आवाज कुछ नहीं आ रही, और पिकअप भी बहुत तगड़ा हो चुका है। नीचे थोड़ी सी